अगर आपको ट्रू कॉलर पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम शो हो रही है, एन अननोन एरर हैज ऑकर्ड, सो गाइस आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक कर सकते हो। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है, और फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करना है। ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले इस परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करना है, और परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ सारी परमिशंस को अलाउ कर रखा है। इस तरह से आपको भी अपने ट्रू कॉलर की सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है, और इतना करने के बाद आपको वापस आना है। और फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश वाले ऑप्शन को ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लियर कैश वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके अपने ट्रू कॉलर का कैश क्लियर कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको वापस आना है। और फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद अगर आपके ट्रू कॉलर पर यह बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन ऑफ है, सो गाइस आपको इसको ऑन कर लेना है। और इसको ऑन करने के बाद उसी के नीचे आपको ये अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। और इतना करने के बाद आपको वापस आना है, और वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके अपने ट्रू कॉलर को फोर्स स्टॉप कर लेना है। और इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपके यहाँ सर्च बार में सर्च करना है ट्रू कॉलर। और गाइस ट्रू कॉलर सर्च करने के बाद आपको देखना है कि आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है। अगर आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने ट्रू कॉलर को अपडेट कर लेना है। कई बार हम सालों तक अपने ट्रू कॉलर को अपडेट नहीं करते, जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सो गाइस इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है, और फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। और फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट, रिबूट या रिफ्रेश, जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है वो करना है। और इतना करने के बाद आपके जब आप अपने ट्रू कॉलर को ओपन करोगे तो गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।